वो तो मैं दोबारा कहूँगा उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आज इसका एक तरह से पुनर्जन्म है। मैं 2014 से मेरा इस बेटा गायब हो गया है। बहुत कोशिश किया, बहुत ढूंढा, मेरे को नहीं, आँख के सामने नहीं नज़र आया है। आज ये कन्हैया आश्रम ट्रस्ट वाले 2-3 दिन पहले मेरे मिसेज को इंफॉर्मेशन किए और उसने हमको जाहिर किया, बताया कि बेटा मिल गया है। मैं कहाँ? बोला ये सिरसा में, हरियाणा में है। हम बड़ा आश्चर्य हुए कि कैसे हरियाणा पहुंच गया मेरा बेटा। और मैं बहुत कोशिश किया, बहुत ढूंढा, नहीं पाया, हाथ चुम के चुपचाप बैठ गया। सर ये 2014 में इसकी मम्मी जो है स्कूल जाती है, करीब 30-35 किलोमीटर चिरमिरी से आउट एरिया है, वहाँ जाती है पढ़ाने। शाम को 7-7:30 बजे पहुँचती है घर। तो ये हमेशा की तरह जाता था अपनी मम्मी को लेने और लेके आता था, दोनों साथ में आते थे। और एक दिन ऐसा था, बुधवार का दिन था, ये 6 बजे घर से गया और मम्मी इसका 7-7:30 बजे घर पहुँच गए। इसकी जो मम्मी की माँ है वो पूछी कि लड़का कहाँ है। लड़का का बोला मैं, मेरे पास तो नहीं आया, अब मैं बस स्टैंड में ढूंढ ही नहीं पाया। फिर वो तुरंत सगल ढूंढाई चालू हो गया। हमको इंफॉर्मेशन हुआ, हम उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा से फिर हम आए, आ करके कम से कम 1-1.5 महीना पूरा छत्तीसगढ़ के जगह जगह जा जा के सब आदमी से पूछा, पता किया और कुछ पता नहीं चला। मैं ये बयान नहीं कर सकता कि जितना मुझे अपार, इतना खुशी है कि मैं आज अपने दिल से कहता हूँ, धन है ये कन्हैया आश्रम, जो मैं श्रद्धापूर्वक जो मेरे दिल में है मनोभावना है उसको मैं जाहिर करके ही जाऊँगा। थोड़ा सा पहले मैं लोनी के बारे में बताना चाहूँगा। 19 मार्च 2016 को एक गबवाली के अंदर एक एनजीओ है, वहाँ पर ये कुछ बच्चे थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये बच्चे सारे के सारे हमारे पास यहाँ शिफ्ट कर दिए। और ये जो बाप बेटे के मिलने की खुशी है, ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये तो एक बाप ही बता सकते। हमारे तो इसी तरह से आश्रम से लगभग 180 के करीब बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग वो अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। और नौनी भी बीच में एक बार तो काफ़ी बीमार रहा, उसके बाद इसका फिर पूरा प्रॉपर इलाज हुआ, इलाज के बाद ये बिल्कुल स्वस्थ है। और अब इसने अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ बताया, तो उसी एड्रेस पर फिर इनकी सारी आज तीसरे दिन भी ये लेने आ गए हैं। और जो अपने परिवार को मिलने की खुशी है, वो तो मैं दोबारा कहूँगा उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आज इसका एक तरह से पुनर्जन्म है। वैसे भी जो इसका आज जन्मदिन है और उसको मनाने की हमारे यहाँ आश्रम में अपने जो भी बच्चे हैं उनका जन्मदिन जिस डेट को आश्रम में आते हैं या डेट पता हो तो उसका जन्मदिन यहीं मनाया जाता है। आज भी इसके लिए उसकी पूरी तैयारी थी, 4 या 5 बजे इसके लिए केक लाया हुआ है, सारे बच्चों ने आपस में तैयारी कर रखी है। फिर जब पता लगा भी इसके पिताजी इतने बजे तक पहुंच जाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिले किया गया और इन दोनों के साथ, इनके सारे परिवार के साथ वो जन्मदिन भी अब यहीं मनाया जाएगा। और ये एक तरह से मैं तो यही मानता हूँ कि इसका एक पुनर्जन्म है। हमारे देश में 6-7 साल बहुत होते हैं,
6-7 साल में तो एक बाप कितना ही अपने बेटे से प्यार करे वो हार मान लेता है कि नहीं अब नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। ये तो एक पुनर्जन्म है मेरे हिसाब से।